अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फियाज़ भाई हाज़िर हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि जो रात मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर इतना अच्छा रिस्पांस आया। और वो कौन सी वीडियो थी ये भी आपसे शेयर करते हैं और साथ साथ में मैं जा रहा हूँ फसलें देखने, वो भी आपको दिखाते हैं और साथ में आपको सारा कुछ बताते हैं। और एक बात कि जो मैंने रात वीडियो अपलोड की थी, जिन मेरे बहन भाइयों ने भाई नसरुल्ला और आप ही की ज़िंदगी के बारे में जो मैंने उनके हालात के बयान करते हुए वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन मेरे बहन भाइयों ने नहीं देखी वो वीडियो तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चले, मैं आप जा रहा हूँ फसलें देखने और फसलें भी दिखाता हूँ आपको, साथ साथ आपसे मुखातब भी रहूँगा। भाई नसरुल्ला हमारे घर आ जाए हैं, वो देखे सामने घर पहुँच गए हैं। रात मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपी और भाई नसरुल्ला की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर की थी और जो मैंने अपने बहन भाइयों से कहा था कि आपने कमेंट्स करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फीडबैक दें कि भाई नसरुल्ला उस पर एग्री हो जाएं। जो मैं चाहता हूँ भाई नसरुल्ला को चाहता हूँ कि वो व्लॉगिंग करें, तो जिस तरह हम लोग अर्निंग करते हैं तो साथ साथ वो अपना पेट्रोल पंप का काम भी जारी रखें, तो साथ साथ अर्निंग इधर से भी होगी। तो इंशाल्लाह जो बच्चों की ख्वाहिशात हैं, जो बच्चे चाहते हैं, जो मांगते हैं, वो सारा कुछ खुद उन्हें प्रोवाइड कर सकें, खुद दे सकें, तो और एक अच्छा सा घर भी बना सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा तो गुजारा तो होता है, हम भी सपोर्ट करते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन हम जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि भाई नसरुल्ला हमारी तरह व्लॉगिंग करें। और क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो बहुत मुश्किल बात है ना आज के दौर में हो गया, तो मैंने कहा भाई आप पढ़े लिखे भैया, सारा कुछ है, आपको हम लोग मोबाइल चलाना भी सिखा देंगे, किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह वीडियो एडिटिंग करनी है। रात फिर मैंने उन्हें समझाया था कि भाई, फिर से मैंने भाई अली और आपी हमेरा को भी बुलाया था, वो भी आ गए थे, उन्होंने भी समझाया, फिर मैंने आपी को बोला तो आपी ने भी फिर बात की, आपी हमेरा को भी मैंने कहा कि आप लोग ना इस तरह करें, भाई को समझाएँ कि व्लॉगिंग करें, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा बोल भी लेती हैं, आप भी वीडियो कुकिंग की कभी रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर लें, कभी भाई नसरुल्ला ने व्लॉगिंग वगैरह कर ली, तो आप मिलके इस तरह काम करें जिस तरह भाई अली और आप ही करते हैं। तो आप ही ने कहा था ठीक है भाई, हम इंशाल्लाह भाई आप ही को तो मैंने मना लिया था पहले ही, लेकिन भाई नसरुल्ला कह रहे थे कि मैंने कभी टच मोबाइल यूज़ नहीं किया, तो मैं किस तरह करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, तो मुझे ये बहुत काम मुश्किल लगता है, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने भाई नसरुल्ला से कहा था कि आप लोग ना करें, इंशाल्लाह ये नामुमकिन नहीं है, ट्राई करना चाहिए आपको। तो भाई नसरुल्ला को फिर हमने मना लिया, रात मनाया इस वजह से, वो पहले तो हमने कोशिश पूरी कर ली थी, वो नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे नहीं होगा। तो फिर जब मैंने रात 7 बजे जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा अच्छे से अच्छा आप मेरे बहन भाई जो वीडियो देखते हैं उन्होंने कॉमेंट्स करना है और भाई नसरुल्ला को समझाएँ कि आप लोग व्लॉगिंग करें, तो भाई नसरुल्ला फिर मान गए थे, माने तब थे जब आप लोगों की इतनी सपोर्ट देखी कि वाकई लोग चाहते हैं, लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और फिर इतना लोगों ने, काफ़ी बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि भाई आप प्लीज़ व्लॉगिंग करें, प्लीज़ व्लॉगिंग करें, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो फिर आज उनकी छुट्टी भी थी क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे घर होते हैं, जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी उस दिन वो छुट्टी पर थे, घर ही थे, तो फिर मैं वहाँ गया था, तो मैंने कहा था चलें उन्हें समझाते हैं। तो फिर उधर मैंने मनाने की कोशिश की भाई को, वो एग्री नहीं करते थे मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने भाई अली और आपी को भी बुलाया, वो भी आ गए, उन्होंने भी रात बात की, फिर सभी भाई अब्बास भाई जवेद सभी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, तो उसके बाद वो एग्री नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर जब आप लोगों को मैंने वीडियो अपलोड की उसके साथ साथ कमेंट्स देख के फिर हमने बात की, मनाने की कोशिश की, तो वो आप लोगों के जितने भी मेरे बहन भाइयों ने कमेंट्स किए उनका मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये सारा कुछ आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हुआ। जिस तरह हमें आप लोगों ने इतनी इज्जत चाहत प्यार मोहब्बत देते हैं, उन्हें भी देंगे, और सभी बहन भाइयों ने इस बात से एग्री किया कि वो कर सकते हैं, तो उन्हें भी आप व्लॉगिंग करवाएं। तो अब जो बात है, जो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, तो वो ये है कि इंशाल्लाह हम
भाई नसरुल्ला के लिए चैनल क्रिएट करने लगे हैं और आज ही करेंगे। जितना अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया तो मैंने भाई से कहा कि आप हमारे घर आएँ तो इंशाल्लाह हम आपके लिए चैनल क्रिएट करेंगे और आपको भी सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह जितना मुमकिन हुआ हम लोग साथ हैं, जब तक उन्हें वो मुकम्मल सीख नहीं लेते तो हम उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलें भाई नसरुल्ला आ गए हैं, उनसे बात करते हैं और उनके क्या तासरात हैं वो भी आपको दिखाते हैं और आपसे शेयर करते हैं। और आप सब ने जो कमेंट्स किए थे वो मैंने अभी भाई नसरुल्ला को पढ़ाए कि ये देखें कितना लोग चाहते हैं आपको और सभी कहते हैं कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आप चैनल बनाएं। तो अब भाई नसरुल्ला मान गए हैं तो चैनल भाई अली क्रिएट कर रहे हैं भाई नसरुल्ला का। तो कुछ ही देर में इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप बहन भाई जिस तरह रात कमेंट्स किए थे सभी सपोर्ट भी करेंगे। और इसमें जैसा प्यार आपने हम लोगों को दिया है वैसा ही प्यार आपने भाईजान को भी देना है। तो सारी स्टोरी आपने प्याज भाई की जो कल वाली वीडियो थी उसमें आपने सुन ली थी, सारे हालात देख लिए थे। तो भाईजान नहीं मान रहे थे कि चैनल मैं पता नहीं कैसे इसको कर सकूँगा, कैसे मतलब इसको मैं व्लॉग कैसे बनाऊंगा ये सारा तरीका। तो हमने मैंने और फियाज भाई ने और आपकी भाभी साहिबा ने भी समझाया कि जिस तरह हम दोनों मिलके सारा कुछ हैंडल करते हैं तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप बस ये कदम उठा लें तो इंशाल्लाह आपके चाहने वाले बहुत हैं। तो जिस तरह आप लोगों ने फियाज भाई की रात वाली वीडियो में रिस्पॉन्स दिया था तो अभी भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जो नसरुल्ला भाई का चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इनके जो चैनल का लिंक है वो आपको फियाज भाई की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस लिंक को क्लिक करें, नसरुल्ला भाई के चैनल पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो हौसला अफजाई है वो आपके अच्छे रिस्पांस से ही इनकी होगी। तो इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाईजान की हौसला अफजाई करेंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह भाईजान और बाजी जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स डेली रोज़मर्रा की जो वीडियोस होती हैं वो अपलोड किया करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा कुछ देखने को मिलेगा और आपके रिस्पांस से इनकी भी हौसला अफजाई होगी और आपके रिस्पांस से अगर किसी के हालात बदल जाते हैं अल्लाह ताला की रहमत करम फजल से तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यही बस मैं आज की वीडियो में कहना चाहता हूँ। सिखाओ असि थोड़े साथ देने बैठे नहीं बस जिंदाबाद साथ ही छोड़ने खाने तो हाथ नहीं मिलने खाने वाली चीज ना हां साथ तक लगा ही रहना है। अच्छा जी मैंने भी खाना खा लिया, भाई अब्बास ने भी और भाई खांडे देखो भाई अब्बास देखो भाई अब्बास ने खा के दकड़ियां मेरे आ खाओ जी खाओ तुसी। अब भाई नसरुल्ला से पूछते हैं कि वो चैनल क्यों नहीं बनाना चाहते थे, क्यों कह रहे थे कि मैंने चैनल नहीं बनाना। भाई नसरुल्ला क्यों चाहते थे आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी जो है ना वो टच मोबाइल यूज़ नहीं किया था, इसलिए मुझे इसमें थोड़ी सी झिझक महसूस हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि मैं कैमरे के सामने थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। अब आपने ये नहीं ना हमें बताया कि आप किसके कहने पे माने हैं, क्यों माने, अब इसके बारे में तो बताएं ना। ये मैंने कमेंट्स पढ़े हैं और भाई ने फोर्स किया, भाई अली ने कहा कि जो है ना आप कोशिश करें और हम जो है ना अल्लाह ताला करम नवाजी करेगा। और जितने भी बहन भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनके कमेंट्स आए हैं और उन्होंने मेरे बारे में इतने प्यार भरे ख्यालात रखे और जज्बात रखे, उनकी वजह से मैं जो है ना मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये काम शुरू करना चाहिए ताकि उनकी दुआएं और की वजह से शायद मैं भी कामयाब हो सकूं। अच्छा जी भाई नसरुल्ला का चैनल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अल्लाह वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे
और लिंक भाई नसरुल्ला के चैनल का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि भाई नसरुल्ला जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहेगा। और भाई नसरुल्ला को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जिस तरह आप लोगों ने कॉमेंट्स किए और मेरा साथ दिया, तो आप भाई नसरुल्ला के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जाके आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह हमें प्यार मोहब्बत देते हैं भाई नसरुल्ला को भी ज़रूर देना है। चलें आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।